का सूट लेके आई हूँ, ये मैं चूड़ियाँ लेके आई हूँ, मेहंदी लेके आई हूँ, मैंने पर्स के लिए ये भेजे, ये दुपट्टा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उनका बहुत बहुत जज़ाकअल्लाह, जो जिन लोगों ने मेरी जो है ना लास्ट वाली वीडियो को बहुत पसंद किया। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा रिस्पांस मिलेगा, हालांकि मैंने तो इन दोनों में डाली थी जिन दिनों में व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि रमज़ान की वजह से जो है ना व्यूज़ बहुत कम आते हैं। ज़ाहिर है लोग अपनी इबादतों में और तैयारियों में मसरूफ़ हैं, ये टाइमिंग ऐसी है कि इसमें जो है ना लोग यूट्यूब पर जो है ना कम ही वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इतना प्यार मिला कि मैं ख़ुद ही हैरान रह गई। और ऐसे ऐसे कमेंट आए, उन लोगों ने भी कमेंट किए जो मेरी वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते होते, उनका भी बहुत बहुत जज़ाकअल्लाह। मुझे खुशी हुई कि जो है ना उस वीडियो को मेरे बहुत पसंद किया गया है, और बहुत से लोगों ने कहा है कि जो है ना कि मैं कुछ उनके साथ भी जो डिज़ाइनिंग करती हूँ उनके साथ भी अपना जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और जो चीज़ें बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रमज़ान के बाद मेरी वीडियो आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ जो लाजमी ये शेयर करूँगी कि हम लोगों ने अपने घर को कैसे डेकोरेट करना है, और जो जो चीज़ें मैं बनाती हूँ मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को सिखाऊंगी, साथ साथ आइडिया आप लोगों को दूंगी। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है ना मेरी थोड़ी वीडियो चेंज हो जाएगी। बिरयानी मेरी तैयार होगी। आजकल मैं इतनी लेट हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता टाइम का, जैसे जैसे रमज़ान एंड में होते जा रहे हैं तो टाइमिंग की समझ नहीं आती है। काम भी इतने हैं, पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं सारा दिन कामों में मसरूफ़ होती हूँ, और जब अफ्तारी का टाइम होता है फिर जो है ना टाइम बहुत शार्ट बच जाता है, जिसकी वजह से जो है ना फिर मैं आजकल अक्सर लेट हो जाती हूँ। और ये मैंने बिरयानी बनाई है, बड़ी मज़े की बनी थी और यमी बिरयानी बनी थी, हालांकि मैंने जो है ना इतनी ख़ास रेसिपी सी नहीं बनाई थी, बस जो जो चीज़ें मौजूद थी मैं उन्हीं को यूज़ करके मैंने बिरयानी बनाई, क्योंकि पूरा रमज़ान गुजर गया, बस एक ही दफ़ा बिरयानी बनाई थी, उसके बाद बिरयानी बनाई ही नहीं थी। तो भाई आए थे उनके लिए डाली है, और अभी जो है ना हमसायों के घर देने लगी हूँ, मैंने कहा चलो उनके लिए डाल लेती हूँ बिरयानी। ये मैं अपनी नंद का सूट लेके आई हूँ, मेरी एक ही नंद है लेकिन मेरी इतनी अच्छी और नाइस नंद है कि जितनी भी उसकी तारीफ़ करो तो कम है। कभी हमारे घर में हमारे मामले में उनका कभी किसी भाभी के घर में उसका जो है ना अमल दखल नहीं है, वो बस इतनी खामोश तबीयत की है, मतलब बातें भी बहुत कम करती हैं और जो है ना बोलती भी बहुत कम है। तो ये मैं उनके लिए सूट लेके आई हूँ, आज बैठी हुई थी, दिल बहुत खफा हुआ है क्योंकि इस व्लॉग देख रही थी मुख्तलिफ, हर लड़की की ईदी आ रही थी तो मेरी ईदी नहीं आई, तो बस दिल खफा हो गया क्योंकि मेरी अम्मी भी नहीं थी, अबू भी नहीं है, और जो है ना माँ बाप ही जो होते हैं वो ये अपनी बेटियों के लिए सारा कुछ करते होते हैं, तो इस वजह से मेरा दिल बहुत खफा हो गया है। और हर ईद पर जो मेरी बाजी होती थी वो मेरे लिए चूड़ियाँ लाजमी लेती होती थी, तो फिर जो है ना जो चीज़ अपने आप में कमी हो ना तो फिर वो जो है ना वो बंदा जो है ना वो कमी कहीं और दूर कर लेता है। तो फिर मुझे अपनी नंद का ख्याल आया, तो फिर मैं और ज़ैद गए हैं, तो फिर हमने ये सूट लिया है, मेहंदी ली है, चूड़ियाँ ली हैं। टाइम कम था क्योंकि सुबह ये हम लोगों ने भिजवानी थी, अगर टाइम होता तो मेरा दिल था कि मैं जूता भी लूँगी, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है ना पूरी ईदी उनके लिए भेजूँगी।
तो ये अभी मैं डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ किचन की, क्योंकि किचन बहुत गंदा हो गया है। आपको पता है रमज़ान की वजह से जो है ना किचन बहुत गंदा हो जाता है। हालाँकि मैंने रमज़ान से पहले भी सफाइयाँ की थी, और मेरी नन सॉरी कह रही है, मेरी हमसाई कहती है कि तुम वहमी हो, और मैं उसके साथ हंस रही थी। मैंने कहा मैं कैसी वहमी हूँ कि मैं जो ये मैट वगैरह धोए हैं तो इसमें से जो है ना इतनी मैल निकली है, काला स्या पानी निकला है, क्योंकि आपको पता है किचन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और यहाँ पे पिंडी में गर्द गुबार भी बहुत ज़्यादा है। तो डीप क्लीनिंग करनी जो होती है ना वो लाजमी हो जाती है 15-20 दिन बाद। ये तो फिर भी मैं लेट कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना इस हमें पता ही नहीं चला, महीना गुजर गया है। तो चूल्हे को मैं आम तरीके से साफ़ करती हूँ, कोई ख़ास इसके लिए नहीं ख़रीद के लाती हूँ। जिससे मैं बर्तन धोती हूँ उसी से चूल्हा साफ़ कर देती हूँ। मेरा चूल्हा इतना गंदा भी नहीं होता, क्योंकि मैं जैसे ही जो है ना कुकिंग करती हूँ उसके बाद चूल्हे को लाजमी साफ़ कर लेती हूँ। और ना भी इसी तरह चाहिए कि साथ साथ काम होते रहे ना, तो फिर आप यकीन करें आप पे कभी भी बर्डन नहीं होगा, क्योंकि काम साथ साथ निपटते जा रहे होते हैं। चूल्हा मेरा साफ़ हो गया, देखिए ना कितने अच्छा और मज़ेदार सा साफ हुआ। और ये जो जार है ये भी अभी मैं धो के रख दूँगी, इंशाल्लाह अगले साल फिर यूज़ करेंगे, या बीच में किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े तो निकाल लेंगे। लेकिन ये कि अभी ये हमें ये फालतू पड़े हुए हैं, तो इसको मैंने कहा धो के रख लेती हूँ। और टेबल की भी मैंने कहा सेटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जो है ना, और मेरी जो आदत है चीज़ों में रद्द बदल करना, चेंजिंग करना, ये मेरी फितरत में शामिल है। तो अभी भी जो है ना मैंने जो है ना कुछ चीज़ें उठा के इधर रखनी है, कुछ उधर रखनी है। इससे ये होता है ना कि थोड़ा सा बंदे का मूड फ्रेश हो जाता है, और चेंजिंग जो होती है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। हर किस्म की चेंजिंग के लिए जो है ना हर वक्त तैयार रहना चाहिए, इसी से ज़िंदगी की खूबसूरती है। जो लकीर के फ़कीर बन के बैठे रहो ना, उससे ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लकीर के फ़कीर होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये ऐसे है तो ये ऐसे है, मैं तो ऐसे करती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ। नहीं, अच्छी चीज़ को हर जगह से पिक करना चाहिए और उसको जो है ना अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो है ना इसी से ज़िंदगी जो होती है वो थोड़ी सी पुरसकून हो जाती है, और आप यकीन करें आपको ख़ुद भी अच्छा लगेगा। पर्दे मैंने धोए थे, अब सूख गए हैं, तो मैंने कहा इनको लगा लेती हूँ। पहले मैं सारी चीज़ों को मैंने प्रेस किया है और अब मैं इनको लगा रही हूँ, और टाइम भी बहुत कम रह गया है अफ्तारी का, और वैसे भी कम टाइम रह गया है। आज मेरी जो वीडियो जा रही है तो आज जो है ना 29वां रमज़ान है, और मैं भी कल ईद हो जाए। तो वैसे तो मैंने जो है ना एक और मेरा व्लॉग आना था चांद रात का, लेकिन देखिए अब क्या होता है। लेकिन ये कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ मेरा एक सूट रह गया है जो मैं सिलाई कर रही हूँ, और वो भी इंशाल्लाह जो है ना तैयार हो जाएगा। मेरी किचन की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई, और यहीं पे मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। और मेरे नए जो सब्सक्राइबर आए हैं मेरे उस वीडियो के बाद, उनका जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और मेरी वीडियो कैसी लगी है ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।